प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? दो कोर्स अवेलेबल है मेरे स्टोर पे, मैथ्स और मैथ्स रीजनिंग को लेके। तो दोनों कोर्स में कन्फ्यूज़न ना हो आपको, तो उसी का एक छोटा सा डिस्कशन हम करने वाले हैं। बच्चों, मेरे चैनल पे या फिर मेरे ऐप पे आने वाले दो टाइप के बच्चे हैं। एक वो जिनको मैथ रीजनिंग पूरा करना है मुझसे, और एक वो बच्चे हैं जिनको खाली अड्डा 247 का जो एस क्वांट का बुक है उसके सॉल्यूशन करने हैं। तो मैं दोनों का आपका बता देता हूँ बच्चों। असल मामले में जिनको मैथ्स और रीजनिंग दोनों करना होगा, उनको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग ये वाला बैच लेना है। लेकिन जब आप ये बैच लेते हो बच्चों, तो देखो जो कंटेंट आपको मिलता है ना, उस कंटेंट में क्या-क्या है। इस कंटेंट में बच्चों एक तो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा है अड्डा का सॉल्यूशन और रीजनिंग। मतलब ये वाला बैच जो लेंगे उनको क्वांट मेरा वाला पढ़ाया हुआ भी मिल जाएगा, प्लस अड्डा का बुक का रिकॉर्डिंग भी उनको मिल जाएगा, प्लस रीजनिंग भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तीनों इसमें अवेलेबल है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है कि जब आप ये बैच ले रहे हो मेरे बच्चों, तो डायरेक्ट अड्डा के बुक पे बिल्कुल मत जाना। नहीं तो हो सकता है कि कुछ चीजें, कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें आपको समझ में ना आए। क्योंकि तो जिस मेथड, जिस अप्रोच से मैं अड्डा का बुक करवा रहा हूँ, उसको पहले पक्का करना पड़ेगा आपको। जब तक वो अच्छा नहीं होगा, तब तक काम बनेगा नहीं। तो आप सबसे पहले क्या करना है मेरे बच्चों, ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पहला जो पोर्शन है, इसे पूरा खत्म कर लेना। पूरा खत्म करने का मतलब सारे टॉपिक कर लेना एकदम अच्छे से, 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना, कंसेप्ट पक्के कर लेना, उसके बाद अड्डा के पे जाना है आपको। अच्छा, ऐसा भी बिल्कुल मत करना कि यहाँ से एक टॉपिक कर रहे हो फिर उस टॉपिक का अड्डा का बुक कर रहे हो, ऐसा भी मत करिएगा। क्योंकि तो अड्डा का बुक में मान लो मैं कोई एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितने भी दूसरे टॉपिक हैं वहाँ वहाँ से इनपुट मैंने लिया है। तो आपको ये तभी समझेगा मेरे बच्चों जब आप ये वाला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो मेरा वाला, जिसको मैं कंसेप्ट बिल्डिंग लेक्चर्स कहता हूँ, ये करोगे तो कंसेप्ट बहुत तगड़े हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा सारे टॉपिक एक बार खत्म कर लेना बच्चों, और कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद ही अड्डा के बुक पे आपको जाना है। ठीक है, तो जो बच्चे ये वाला कोर्स लेंगे उनको तीनों मिल जाएगा। तीनों का मतलब मेरा कंसेप्ट बिल्डिंग लेक्चर मिल जाएगा, अड्डा का बुक मिल जाएगा उनको, और रीजनिंग मिल जाएगा। ठीक है बच्चों? अच्छा, लेकिन जो बच्चे खाली अड्डा का बुक लेना चाहते हैं, सिर्फ ये वाला कोर्स, जिन बच्चों को खाली अड्डा का एस क्वांट का बुक चाहिए, सिर्फ ये लेना चाहते हैं, तो देखो मैं आपको साफ साफ बताऊं कि सिर्फ अड्डा का बुक का सॉल्यूशन अगर डायरेक्टली आप मेरा ले लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें मैंने क्या दिया है, इसमें मैंने दिया है बच्चों, जब आप ये परचेस करोगे तो इसमें पहले कंसेप्ट बिल्डिंग लेक्चर्स है। ये सेम वही वाला वीडियो है जो वहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम पे था। तो जो भी बच्चे ये अड्डा 247 का मेरा कोर्स परचेस कर रहे हैं, करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं, बच्चों कभी भी डायरेक्ट आप अड्डा के बुक के सॉल्यूशन पे मत जाना। पहले कंसेप्ट बिल्डिंग लेक्चर्स को अच्छे से खत्म कर लेना, अच्छे से समझ के, और कम से कम 3 बार रिवाइज करना। मैं बार बार क्यों जोर देता हूँ 3 बार रिवाइज करने पे, क्योंकि 3 बार रिवाइज करने पे जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो बहुत डीप और पक्की बन जाती है। पक्की बनने का मतलब जब दूसरे टाइम मैं उसके बारे में बात करूंगा तो वो कंसेप्ट आपके दिमाग में डायरेक्ट जाना चाहिए। तो पहले मेरे बच्चों यही करना, आप कंसेप्ट बिल्डिंग लेक्चर्स एक बार करना है आपको अच्छे से, उसके बाद रिवीजन मरना है 2 से 3 बार। जब आप 2 से 3 बार रिवाइज मार लोगे ना, तो ये अड्डा का सॉल्यूशन जो मैंने करवाया ना बच्चों, इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। तो जिन बच्चों को खाली अड्डा का सॉल्यूशन चाहिए, उनको खाली मेरा कंसेप्ट बिल्डिंग लेक्चर्स और अड्डा का सॉल्यूशन मिलेगा। जिनको मैथ रीजनिंग पूरा चाहिए, उनको कंसेप्ट बिल्डिंग भी मिलेगा, अड्डा 247 का सॉल्यूशन भी मिलेगा और रीजनिंग भी मिलेगा। ठीक है बच्चों? तो एकदम मेहनत से, मन लगा के, एकदम अच्छे से तैयारी करते रहिए। जहां तक मुझसे हो सकता है मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
भगवान आपको मेहनत करने की बहुत पोटेंशियल दे, क्योंकि सारा खेल मेहनत का है मेरे बच्चों। अच्छे से अगर मेहनत करने की कृपा आपके ऊपर भगवान ने बरसा दी, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी चीज सिलेक्शन के प्रोसेस में या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बच्चे के अंदर जो चाहिए वो ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट कितना है कितना नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसके अंदर करेज पैदा हो, ताकि वो जीतोड़ मेहनत कर सके। मेहनत करने की आदत सबके अंदर नहीं आती। अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके ऊपर आपके माँ बाप की, आपके गांव की, आपके ग्राम देवता, पुरोहित हो सकता है, भगवान का किसी न किसी का आशीर्वाद जरूर है, क्योंकि मेहनत करने की आदत ही आपको सफलता दिलाती है मेरे बच्चों। फिर आपसे मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।